हेलो फ्रेंड्स, तो हम सभी हम और हमारा दोस्त विकास जो कि आज जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, और ये देख सकते हैं ये रामनगर का ब्रिज है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही प्यारा, और इसका लुक देखिए आप, कंटिन्यूसली लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स। और देख सकते हैं गंगा जी का ये दृश्य कैसा है, ये गंगा जी का दृश्य है और पानी का लेवल थोड़ा सा भी बढ़ा है फ्रेंड्स। और बताएं कैसा मेरा वीडियो आपको देख कर लगता है, अगर आप इस टाइप की वीडियो देखना और सुनना चाहते हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी तो गंगा जी में पानी का जो ऊपर भी फ्लो कर रहा है, अच्छा खासा पानी भी बाढ़ है, तो अभी हम समझते हैं कि आपका अगर ट्रेवल कहीं और किसी स्टेट से हैं अभी मत आइए, जब भी आना हो तो अभी एक दो महीना रुक जाए, क्योंकि तो पानी अभी बढ़ोतरी हुई है, तो आपका आना समझ लिए न आने के बराबर है, तो ये घाट और घाट किनारे जो है कि भी चैन टूटा हुआ है, तो आप ना आए। और देख सकते हैं ये रामनगर का ब्रिज है फ्रेंड्स, और जरूर कमेंट करें कैसा लग रहा है आपको, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स बताएं आप सब अपनी लाइफ में कैसे हैं, और ये देखिए सामने घाट का नजारा है, और अभी देखिए किनारे किनारे लाइट लगी है, ये पुल को बनने में 12 से 15 साल लग गए, लेकिन जब योगी सरकार आई तो इस पुल को 2 साल में क्लियर की, और पहले इसके किनारे इधर साइड में पीपा पुल हुआ करता था, क्लास 10th का जब एग्जाम देने के लिए रामनगर से बनारस जाया करता था बाई पुल। देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर देखिए जाली लगा हुआ है, जाली इसलिए लग रहा है कि कोई भी कूदे नहीं और मरे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, तो उस ईस्ट वाले उस साइड जो घर है वो संभी मुस्कुल भगवानपुर से शायद बोलते हैं, और ये देखिए त्रिदेव है जो कि एक अपार्टमेंट है, और ये बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, सामने घाट इसे आप बोल सकते हैं, ब्रेक कम लगा था ना। और फ्रेंड्स आप अपने मैंने अपने पिताजी का TVS लेकर चला आया हूँ, और इसका ब्रेक बहुत कम लग रहा है। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आज लाइव किया जाएगा ना भाई,